हाय एवरीवन, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉर्न की जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये फ्रोजन कॉर्न लिए हुए हैं। आप चाहें तो ना फ्रेश भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रोजन कॉर्न स्वीट कॉर्न होते हैं उसको हमको लेके गर्म पानी में डालना है, और उस गर्म पानी में थोड़ा सा हमको सॉल्ट डाल देना है। उसके बाद उसको उसकी जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रोजन होती है उसमें आइस होती है, तो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम उसका पानी अलग कर देंगे और उसको ड्राई करके निकाल लेंगे। अभी ये ड्राई हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे क्रिस्पी बनाने के लिए 2 स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 स्पून करीब हम डालेंगे मैदा। इनको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, कितने अच्छे से। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और दूसरी जगह हम इसको फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने रखा है हमने। अभी कॉर्न पे अच्छे से कोट हो गया है ये हमारा कॉर्नफ्लोर और मैदा थोड़ी सी, और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसमें अभी हम अपने स्वीट कॉर्न डालेंगे, थोड़े थोड़े करके हम इसे फ्राई करेंगे। इससे आप याद रखना कि है ना उचकती भी काफ़ी है, टूटते हैं कई बार, तो हमें इसे कवर कर देना है जिससे कि ये उचट के हमारे ऊपर नहीं लगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा कवर करना है इसको। और कई बार क्या होते हैं, ये स्वीट कॉर्न बहुत जोर से फूटते हैं, और फूटते हैं तो हमारे ऊपर ही आते हैं फूट के। इस तरीके से इसको हम जब तक फ्राई करेंगे गोल्डन, जब तक कि ये गोल्डन कलर के ना हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। और हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत सुंदर कलर आ गया है। और अगर आप फ्रेश कॉर्न के बना रहे हैं तो फ्रेश कॉर्न जो होते हैं उनको आप थोड़ा गरम बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद ही उनको यूज करें। गैस के फ्लेम को एकदम स्लो किया, और जो बाकी के हमें कॉर्न है वो भी हम डाल देंगे। इनको भी हम हमारे गोल्डन ब्राउन बन गए हैं। अभी गैस को हम बंद करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे हम। इसका सॉस भी बनाएंगे हम। इसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें हमने 1 स्पून करीब ऑयल डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑनियन, ज्यादा नहीं डालना है, हाफ ऑनियन ही डाला है मैंने। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें, साथ में डालेंगे हाफ कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो हमने थोड़ा कट करके रखा हुआ है वो हम डाल देंगे, हाफ शिमला मिर्च, थोड़ी सी हाफ गाजर, इसमें डालेंगे लिटिल सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। इसको अच्छे से हम सॉटे करेंगे।
बहुत ज्यादा नहीं गलाना है इसको। बस खाली इसका मॉइस्चर निकल जाए इतना ही हमें हिलाना है, बहुत ज्यादा इसको गलाना नहीं है। इसमें अभी हम डाल देंगे 1 स्पून करीब टोमेटो केचप, 1 बाउल में हम थोड़ा सा 1 स्पून करीब हम लेंगे ये कॉर्नफ्लोर। इसको हमें इसकी सैलरी बनाना है ना, बिस्किट बनाना है थोड़ा सा, तो 1 स्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें गुलथे ना पड़े। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। इसमें डालेंगे थोड़े से हम रेड चिली फ्लेक्स 1/2 स्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 स्पून, टेस्ट के अनुसार डालना है, थोड़ा सा ग्रीन चिली, ये थोड़ा हम चाइनीज स्टाइल में बना रहे हैं। इसमें हम डालेंगे लिटिल हरा धनिया, अब ये सॉस हमारा एकदम से रेडी हो गया है। अभी जो हमारी फ्राई मक्कई है वो हम इसमें डाल देंगे। हम मिक्स कर देंगे अच्छे से सॉस में। अभी इसे लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका, अगर सिरका नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, तो 1 स्पून करीब हम सिरका डालेंगे। खट्टेपन के लिए और सिरका नहीं तो आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी इसको हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। ये रेडी हो गए हमारे क्रिस्पी स्वीट कॉर्न विथ सॉस। ये खाने बहुत ही क्रिस्पी और क्रिंची होते हैं, खाने बहुत ही यम्मी लगते हैं, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। और आजकल तो बारिश का मौसम है तो मक्के भी काफ़ी आ रही है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए और बहुत खाने में हेल्दी होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।